तो नमस्कार साथियों, आज हम एक बार फिर उपस्थित हैं वाराणसी में। वाराणसी में 80 घाट या जो भी घाटों का शहर हमारा वाराणसी है, उसके हम दूसरे साइड आए हैं गंगा नदी को क्रॉस करके। यहाँ आके कभी कभी ऐसा लग रहा है कि हम किसी रेगिस्तान में आ गए हैं, क्योंकि यहाँ इतने ऊँट दिख रहे हैं, कुछ घोड़े दिख रहे हैं और तमाम फैलानी जो भी आए हैं वो घूम रहे हैं। तो हम सोचे कि आइए देख लेते हैं कि आखिर ऊँट वाले किसे अपना मत देंगे, या फिर हम चुनावी कवरेज पे तो निकले ही थे, तो हम आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। नाम बताइए भाई अपना। सर, रामकेश यादव है। रामकेश यादव, आप क्या यही करते हैं ऊँट वाला? जी जी जी, हम लोग के पास भैंस भी है, ये भी है। भैंस भी है? भैंस भी यादव है तो भैंस भी है। जरूर। भैंस के साथ ये ऊँट वाला मैटर कहाँ से आया, ये बताइए। अरे सर, ऊँट वाला मैटर इसलिए है कि हम लोग मतलब कमाते इससे भी है, भैंस से भी कमाते हैं, मेहनत करते हैं, अपना खाते हैं, अपना कमाते हैं। तो दिन भर आप मतलब कि लोगों को बैठा के यहाँ फैलाते हैं? जी जी। तो क्या कुछ कितना कमाई उमाई हो जा रही है, फैलानी आ रहे हैं? सर, अब कहने का मतलब कि कमाई तो हो ही जा रही है, कुछ हो जा रही है। हाँ, तब भी एक मोटा मोटा वही करीब 1000 रुपये दिन भर करते हैं, मेहनत तो मिल जाता है। 1000 रुपये मिल जाता है जी। अच्छा, तो क्या कुछ लगता है कि चूँकि कुछ दिन पहले फैलानियों का आना बंद हो गया था और यहाँ घाटे मतलब कि गंगा पार क्या नाव पे लोग नहीं आ रहे थे, तो उस दौरान आप लोगों का कैसा बीता? जी, इस दौरान तो हम लोग को मान लिया कार्य घर पर भी है, इसकी बंद हो जाए तो हमें उसको कि मतलब कि देखिए, हम तो मान लिया चला ले, जो जो गरीब इंसान है जो रोज़ खाते कमाते वो सब कैसे करेंगे? यही सब लेकर है सर, हम लोग जैसे भी सही है, हम लोग का चुनावी माहौल में। हाँ, चुनावी माहौल तो चल रहा है, तो अब आप यही बता दीजिए, हम ये भी चूँकि तमाम लोगों से बात किए, दुकान वालों से बात किए या फिर हर एक लोगों से बात किए हैं, तो यहाँ एक बार ये भी हो जाए कि आखिर ऊँटों पे लोगों को घुमाने वाले लोग किसे मतदान करेंगे, आप बताइए। हम साइकिल सपा साइकिल। ऐसा क्या अच्छा लग गया अखिलेश जी के पूर्व वाले कार्यकाल में, या योगी जी में क्या बुरा लग रहा है ऐसा? जी सर, योगी जी में भी बुरा नहीं लगा, लेकिन हम लोग साइकिल पे से थे, हम लोग यादव हैं, हम लोग साइकिल हमेशा वोट देते हैं। अच्छा, वो परंपरा जैसी बनाई है कि यादव हैं तो साइकिल पे ही वोट करेंगे। हाँ सर, अच्छा काम भी करते हैं ना भैया। जी जी, क्या अच्छा किए है बता दीजिए अखिलेश जी। जब तक थे तब तक इतनी महंगाई नहीं थी। जी जी, इतनी महंगाई नहीं थी, इतनी तेल लेके पेट्रोल लेके प्लस इतना लॉकडाउन लगा। जी जी, बहुत इंसान मर गए। जी जी, रास्ते में चलते हुए ट्रेन से। जी जी, यही सब लेके सर। जी जी, और कोई बात नहीं। ठीक ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम कुछ और ऊँट वालों से बात करेंगे। भैया बड़ा भाग रहे थे, देखें इस बार। और भाई बताइए, बड़ा मतलब आईफी निगाहों से हमें देख रहे हैं, कुछ खतरनाक था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरहान है। क्या नाम बताए? फरहान। फरहान जी, तो यही आप ऊँट घुमाते हैं लोगों को? जी, पर्यटकों को घुमाते हैं। पर्यटक लोगों को? तो चूँकि चुनावी माहौल चल रहा है, इधर जाने से उधर जाने से अच्छा है कि सीधे सीधे मुद्दे पे आते हैं, तो आपको क्या लगता है कौन आ सकता है? क्योंकि आप अपना भी बताइएगा, अपना ओपिनियन कि आप किसे चाहते हैं, और दूसरा ये कि लोगों में कैसी चर्चा है? लोगों में यही चर्चा है कि मोदी जी को जिताया जाए और उन्हीं को लाया जाए। मोदी जी को जिताया जाए, ऐसा क्या? लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश का ये विधानसभा चुनाव है, तो इसमें मोदी जी तो लड़ नहीं रहे, इसमें योगी जी लड़ रहे हैं, तो फिर आप कह रहे हैं मोदी जी, क्योंकि मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, इसलिए कह रहे हैं? जी जी जी, मैं इसीलिए कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो आपके अकॉर्डिंग है योगी जी आ रहे हैं? और ये एक छोटू थे, पता नहीं क्या कह रहे थे अभी काफ़ी देर पहले, हमसे भाग रहे थे। क्या नाम है आपका? शुभम यादव। शुभम यादव, आप घोड़ा घुमा रहे हैं, लोगों को बैठा के घुमाते हैं? अच्छा, अभी आप बोल रहे थे कि पता नहीं कुछ बच्चों से बोल रहे थे कि जो साइकिल को वोट नहीं देगा उसको नहीं घुमाएंगे, ऐसा कुछ है? हाँ, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपका धंधा थोड़ा सा हो जाएगा ना, अब हर कोई साइकिल वाला थोड़ी आएगा। अरे आएंगे तो कुछ लोग तो आएंगे। कुछ लोग तो आएंगे, मतलब यही है कि जो समाजवादी पार्टी वाला आएगा उसी को आप घुमाते हैं? जी। अच्छा, पहले पूछ लेते हैं, कहाँ हम पूछते हैं कि आप समाजवादी हैं कि कमल वाले हैं? समाजवादी हैं कि कमल वाले हैं, ये ट्रिक कौन बताया? पापा बोलेंगे नहीं तो ये गजब के थे छोटू, इन्होंने बड़े अच्छे से अपनी बातें रखी। वो बोल रहे थे कि जो लोग सपा को वोट करने के बारे में बोलते हैं, हम उन्हीं को घुमाते हैं।